Hello student, welcome to Star Institute. Okay, आज हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास 10th की। जैसा कि हमारे क्लास 9th की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, आज हम क्लास 10th की जो बेसिक क्लासेस हैं वो फिजिक्स की हम लोग स्टार्ट करेंगे। और जो कि सबसे पहला चैप्टर हमारा है उसमें लाइट। सबसे पहला चैप्टर क्या है हमारा? लाइट चैप्टर तो हमें सारे कवर करने हैं, लेकिन हम लोग बेसिकली लाइट जो है वो बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत सारे बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि लाइट में है क्या हमारा, मिरर पढ़ना है, लेंस पढ़ना है, फिर ह्यूमन आई पढ़ना है, जो इसका रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, ये पूरा जो है। तो ये कॉन्सेप्ट भी काफ़ी थोड़े से टफ माने जाते हैं, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो बिल्कुल टफ नहीं है लाइट चैप्टर, ठीक है। तो जो लाइट की बेसिक कॉन्सेप्ट है, आज हम केवल इस क्लास में, आज हमारी ये फर्स्ट क्लास है क्लास 10th के लिए, तो ये लेक्चर फर्स्ट हमारा है, तो हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर फर्स्ट। ओके, लेक्चर फर्स्ट, ये जो लेक्चर फर्स्ट हमारा है तो हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से, एकदम बिल्कुल लाइट की बेसिक से। सबसे पहले लाइट, लाइट अगर नीड है तो पहले, उसके पहले कि सोर्स क्या है। सोर्स मीन्स सबसे पहला फर्स्ट टर्म्स है हमारा सोर्स, कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट। व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट मीन्स कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस लाइट इट्स कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट। जब भी कोई ऑब्जेक्ट है आपका, अगर वो लाइट प्रोड्यूस करता है तो उसे हम कहते हैं सोर्स कहते हैं। समथिंग कुछ नेचुरल सोर्स है, जैसे कि हमारा सन है, ठीक है, ये कुछ स्टार हैं, ये हमारे क्या है, नेचुरल सोर्स हैं। और कुछ जो लाइट के सोर्स हैं वो मैनमेड है, जैसे कि हमारा लैंप है, कैंडल है, ये सब क्या हमारे मैनमेड हैं। तो जो सोर्स क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो लाइट प्रोड्यूस करता है उसे हम क्या कहते हैं, जो लाइट हमें देता है उसे हम क्या कहते हैं, सोर्स कहते हैं, ठीक है। मीन्स अ सोर्स ऑफ लाइट इज एन ऑब्जेक्ट विच लाइट इज गिवन आउट, इट्स कॉल्ड सोर्स। Some is natural, like sun and star, and other is man-made. Okay, man-made means lamp, candle, etc. Okay, source की बात अब हम start करते हैं। Source समझ में आया, ठीक है। Next हम start करते हैं कि जो इसमें source है तो कुछ हमारे self-luminous होते हैं और क्या है, second one is non-luminous, जो हमारे divided है source two parts में है। एक तो हमारा सेल्फ ल्यूमिनेस और सेकेंड इज नॉन ल्यूमिनेस। मींस जो ऑब्जेक्ट सेल्फ ल्यूमिनेस क्या है, कि जब कोई ऑब्जेक्ट है वो लाइट क्या करता है, कि खुद प्रोड्यूस करता है। लाइट क्या करता है, सेल्फ वो प्रोड्यूस करता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ ल्यूमिनेस। जैसे कि हमारे स्टार है, सन है, लैंप है, कैंडल है, ये सेल्फ खुद लाइट को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ ल्यूमिनेस। और जो लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, जैसे कि हमारा ये हमारा बोर्ड है, ये हमारा व्हाइट बोर्ड है, यहाँ से क्या हो रहा है, लैंप है, सन है, सन की लाइट यहाँ पर आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, उसके बाद ये लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, मीन्स ये हमें दिखाई देता है, तो इसका मतलब ये नॉन ल्यूमिनस है, ये लाइट कोई जनरेट नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है कि यहाँ से ये जो एक्सटर्नल सोर्स है वहां से ये लाइट को मतलब ये रिफ्लेक्ट करते हैं, उसके बाद ये हमें दिखाई देते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, नॉन ल्यूमिनेस। तो व्हाट इज द सेल्फ ल्यूमिनेस, अ सेल्फ ल्यूमिनेस सोर्स इज दैट विच पजेस लाइट्स ऑफ इट्स ओन। अ सोर्स ऑफ अ सेल्फ ल्यूमिनेस सोर्स इज दैट इट विच पजेस लाइट्स ऑफ इट्स ओन। और ये दैट इज द सेल्फ ल्यूमिनेस। और जहां पर ये लाइट खुद से, मींस ये खुद से अपनी लाइट पजेस नहीं करते, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस बोलते हैं, ठीक। ये तो हो गया हमारा सोर्स की बात, लाइट में हमारे किसकी बात हो गई, सोर्स की बात। तो हमने बताया सोर्स, जो सोर्स जहां से भी, जब भी कोई ऑब्जेक्ट है क्या करता है, लाइट को प्रोड्यूस करता है, उसे क्या बोलते हैं, सोर्स कहते हैं। और ये दो टाइप्स के हैं, नॉन ल्यूमिनस और ल्यूमिनस। मीन्स एक तो होते हैं जो सेल्फ लाइट को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम बोलते हैं सेल्फ ल्यूमिनेस। और जो लाइट को क्या करते हैं, सेल्फ प्रोड्यूस नहीं करते हैं, लाइट को सेल्फ प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनेस। ओके, नेक्स्ट जो हमारा आता है, नेक्स्ट हमारा है मीडियम।
सेकंड वन क्या है हमारा, मीडियम। ओके, जो मीडियम है तो मीडियम का मतलब कि लाइट जैसे प्रोपोगेट करती है, लाइट जैसे भी एक मतलब एक पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक जैसे भी प्रोपोगेट करेगी उसे हम क्या कहते हैं, मीडियम कहते हैं। और यहाँ पर जो मीडियम है लाइट के लिए वो हमारे पास थ्री टाइप्स के मीडियम है। फर्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंट, ओके, सेकेंड वन इज ट्रांसलूसेंट और थर्ड वन इज ऑपक्यू। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीन्स क्या होता है कि जैसे लाइट है ना, लाइट क्या हो कंप्लीटली उसको पास कर जाए, लाइट क्या है किसी मीडियम को क्या करे कंप्लीटली पास कर जाती है, जैसे कि एयर है हमारा, वाटर है, उसको क्या करती है लाइट कंप्लीटली पास कर जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। मीन्स लाइक एयर, वाटर, एटीसी, ओके, तो दैट इज द ट्रांसपेरेंट मीडियम, दैट इज द ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसलूसेंट मीन्स क्या होता है, यहां पर ये कंप्लीटली ये लाइट जो है ना ये कंप्लीटली पास हुई है, दैट इज द ट्रांसपेरेंट। और जहां पर लाइट पार्शियली मीन्स पास करती है, दैट इज द ट्रांसलूसेंट। लाइक जैसे ग्लास, ओके, ग्लास है जो इसमें कंप्लीटली लाइट क्या होती है पास नहीं होती है, दैट इज द ट्रांसलूसेंट। ओके, ऑपक्यू मीन्स जहां पर लाइट पास ही ना हो, जैसे कि हम यहाँ पर कर रहे हैं, यहां से लाइट पास नहीं हो रही है, व्हाइट बोर्ड के बाद लाइट नहीं जा रही है, दैट इज द ऑपक्यू। मीन्स वुड, पेपर, दैट इज द ऑपक्यू, दैट इज द ऑपक्यू मीन्स मीडियम। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, सोर्स, तो सोर्स पढ़ा तो उसमें क्या था हमारा, एक तो हमारा सोर्स था सेल्फ ल्यूमिनेंस और सेकंड वन इज हमारा क्या था नॉन ल्यूमिनेंस। ओके, थर्ड सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा क्या, हमने पढ़ा मीडियम। मीडियम जो है वो थ्री टाइप्स के हमारे मीडियम, यहाँ पर मीडियम के मीन्स लाइट को प्रोपगेट करने के लिए कैसे मीडियम की नीड होती है हमें, तो नीड होती है, तो वो मीडियम कैसा है हमारा, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है, ऑपक्यू है। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट क्या होता है, जहां से कंप्लीटली लाइट पास हो जाती है उसे हम बोलते हैं क्या ट्रांसपेरेंट, और जहां पर लाइट पार्शियली पास होती है उसे हम बोलते हैं क्या ट्रांसलूसेंट, और थर्ड वन इज जहां पर लाइट कंप्लीटली पास नहीं होती है उसे हम बोलते हैं क्या ऑपक्यू, उसे हम क्या बोलते हैं ऑपक्यू। अब ये तो हमारा सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट इज रे, थर्ड पॉइंट इज रे, व्हाट इज द रे, रे मीन्स क्या है, रे, रे इज द रे ऑफ द लाइट इज द स्ट्रेट लाइन, रे ऑफ द लाइट इज द स्ट्रेट लाइन, रे ऑफ द लाइट, सॉरी, ऑफ द लाइट इज स्ट्रेट लाइन, इट्स कॉल्ड स्ट्रेट लाइन, इट्स कॉल्ड रे, इट्स कॉल्ड रे। अब रे जो है वो भी हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, फर्स्ट वन इज कन्वर्जेंट, सेकंड वन इज डाई कन्वर्जेंट, ओके, और थर्ड वन इज पैरेलल, थर्ड वन इज कन्वर्जेंट। मीन्स यहां पर आप समझिएगा थोड़ा ध्यान से, जैसे ये लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन जो है दैट इज द रे। मीन्स लाइट जो है वो एक, आपको पहले कुछ अभी बेसिक हम बताएंगे, इसके बाद लाइट जो होती है वो हमेशा स्ट्रेट में चलती है, लाइट को कभी भी किसी मीडियम की नीड नहीं होती है। और जो लाइट एक्चुअली में होती क्या है, तो रे पहले हम समझ लें, तो जब भी लाइट जो चलती है, जो ये जैसा भी मीडियम इसने चूज किया है उसे हम जैसे भी इसे प्रोपोगेट करती है कि स्ट्रेट लाइन में, दैट इज द रे। अब ये जो रे होते हैं वो थ्री टाइप का, कन्वर्जेंट, डाई कन्वर्जेंट और पैरेलल। मीन्स लाइट अगर आपकी आती है और ये किसी भी पॉइंट पर मीट करना स्टार्ट कर देती है, किसी भी पॉइंट पर क्या होते हैं लाइट पैरेलली ईच अदर ये आती है, किसी पॉइंट पर मीट करती है, दैट इज द कन्वर्जेंट। ओके, और डाई कन्वर्जेंट क्या होता है, लाइट किसी सोर्स से स्टार्ट होती है और
ये क्या करती हैं, ये ऐसे पैरेलली ईच अदर ये क्या होती हैं, लाइट यहां से आउटसाइड जाती हैं, तो दैट इज द डाइकनोसिस। और पैरेलल क्या होता है, लाइट ये कभी भी मीट ना करे, दैट इज द पैरेलल रे, दैट इज द पैरेलल मीन्स कन्वर्जेंट रे, डाइकन्वर्जेंट रे, दैट इज द पैरेलल रे। ओके, अब कुछ बेसिक लाइट के, ये तो हो गए हमारे बेसिक, ये क्या हो गए हमारे बेसिक हो गए। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की, इसकी बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। ओके, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन समझने से पहले ये देखिए, ये हमारा एक मीडियम है, ये कैसा है, ये सॉरी ये हमारा जो मीडियम है वो अपाक्यू, ये क्या है अपाक्यू, मीन्स लाइट क्या हो कंप्लीटली इससे पास नहीं हो। तो जैसे ही लाइट यहां पर आकर फ्री फॉलिंग होती है, लाइट फॉलिंग होती है, हिट करती है किसको, सरफेस को, दैट इज द प्लेन, प्लेन सरफेस। ओके, जहां पर लाइट हिट करेगी, इस पॉइंट पर लाइट हिट करेगी, ये जो लाइट आ रही है ना, ये जो ये लाइट फॉलिंग हो रही है किसी सरफेस पर, दैट इज द इंसिडेंट रे, दैट इज द इंसिडेंट रे। ओके, और जैसे ही ये स्ट्राइक करती है किसी सरफेस पर, अब ये इसकी क्या करेगी, ये तो ट्रांसपेरेंट मीडियम तो है नहीं, ये अपाक्यू है, तो लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होके ये सेम उसी भी जो उसी प्लेन में ये रिटर्न हो जाएगी, उसी प्लेन में क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। और जैसे ये रिटर्न होती है तो इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ओके, मींस क्या है, लाइट क्या है कि आपकी जैसे ही फॉल होती है, हिट करती है, क्या कहती है, इट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमिना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमिना मीन्स लाइट बाउंसिंग बैक, लाइट इज बाउंसिंग बैक, इट्स कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इट्स कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स लाइट जैसे ही रिटर्न होकर उसी प्लेन में रिटर्न हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जहां पर लाइट जैसे ही फॉल होती है उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जहां से ये रिफ्लेक्ट होकर आउटसाइड जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो रिफ्लेक्शन है, ये जो लाइट का रिफ्लेक्शन है वो डिपेंड करता है, जैसे रिफ्लेक्शन समझ रहे हैं ना आप, कैसे कर समझोगे, जैसे हम एक बॉल ले लिए, एक बॉल को क्या लिए, एक बॉल पर हम क्या करते हैं, हिट करते हैं, तो जैसे हम लाइट जैसे ही बॉल को थ्रो करते हैं, दैट इज द इंसिडेंट, बॉल को थ्रो किए, दैट इज द इंसिडेंट। जैसे ही बॉल को थ्रो कर रहे हैं, ये हम मान लेते हैं बॉल हमारा, यहां से हम बॉल को थ्रो कर रहे हैं, तो जैसे ही बॉल को थ्रो करेंगे दैट इज द इंसिडेंट, और जैसे ही ये बॉल इस पर स्ट्राइक करेगा तो क्या करेगा, बाउंसिंग बैक होगा, मीन्स ये बैक साइड जाएगा, तो रिटर्न उसी प्लेन में वापस आता है, दैट इज द रिफ्लेक्टेड रे, दैट इज द रिफ्लेक्टेड रे मीन्स बॉल को थ्रो किए, दैट इज द इंसिडेंट, और बॉल रिटर्न आ रहा है, दैट इज द रिफ्लेक्टेड। ओके, अब ये जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड है, अब ये डिपेंड किस पर करता है, सरफेस पर, सरफेस कैसा है, सरफेस कैसा है। ठीक है, तो ये जो हमारा रिफ्लेक्शन है ना वो फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक तो होता है हमारा क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और सेकंड वन इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इसी को हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, फर्स्ट वन इज हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन, सेकंड वन इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन, हम यही समझ लेते हैं इसको, रेगुलर रिफ्लेक्शन फर्स्ट क्या है, रेगुलर। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन, तो लाइट अभी हम क्या है, पैरेलल चलती है, तो लाइट जैसे ही यहां पर अगर पैरेलल इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी ये क्या हो जाएंगी, पैरलल ही जाएंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होंगी, पैरलल जाएंगी, ये इंसिडेंट हुई और दैट इज द रिफ्लेक्टेड मींस इंसिडेंट भी पैरलल होती हैं और रिफ्लेक्टर भी, रिफ्लेक्टेड भी क्या होती है, पैरलल होती है,
दैट इज द रेगुलर रिफ्लेक्शन, दैट इज द रेगुलर रिफ्लेक्शन. समझ में आया? रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? लाइट falling parallelly to each other after reflection it goes to parallel to each other it's called regular reflection. जब भी light क्या होगी parallelly आपकी free falling parallelly ये hit करेगी surface को और parallelly ये क्या होगी reflect होगी उसको हम बोलते हैं regular reflection. और हम बात करते हैं second क्या है आपका irregular reflection. second क्या है आपका irregular reflection. तो जैसे हमारा ball है ना हम बॉल को हिट करते हैं जैसे जैसे बॉल को हिट करेंगे जैसे अभी यहाँ से हम बॉल को हिट करना स्टार्ट किए ये बिल्कुल प्लेन है तो जैसे हम यहाँ हिट करेंगे ऐसे आएगा यहाँ हिट करेंगे ऐसे आएगा यहाँ से हिट करेंगे ऐसे आएगा यहाँ से हिट करेंगे ऐसे जाएगा. तो मतलब ये प्लेन के ऊपर डिपेंड करता है कि हिट करने के बाद ये कैसा जाएगा. ठीक है तो जैसे जिस एंगल पर हम हिट करेंगे उसी एंगल पर ये रिफ्लेक्ट होकर आएगा तो ये क्या हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया. अभी क्या करते हैं हमारा प्लेन जो है वो कुछ इस टाइप का हो गया स्मूथ नहीं है प्लेन हमारा स्मूथ नहीं है तो कुछ ऐसा हुआ तो लाइट तो हमारी इंसिडेंट पैरेलल हुई ठीक रिफ्लेक्शन इसका ऐसे हुआ सेकंड लाइट पैरेलल हुई लेकिन इसका रिफ्लेक्शन इधर हो गया लाइट फिर पैरेलल हुई और इसका रिफ्लेक्शन ऐसे हो गया. मींस लाइट जो इंसिडेंट कर रही है ये कौन सी हमारी लाइट है इंसिडेंट इंसिडेंट ये इंसिडेंट तो है लेकिन ये क्या ये रिफ्लेक्टेड जो रे है हमारी रिफ्लेक्टेड रे ये पैरेलल नहीं है ये क्या है पैरेलल नहीं है. तो जब व्हेन लाइट आर इंसिडेंट पैरेलली बट रिफ्लेक्टेड नॉट पैरेलली इट्स कॉल्ड इररेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. क्या बोलते हैं इसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. मीन्स सिंपल सा हम एक प्लेन है एक प्लेन हमारा वॉल है वो बिल्कुल जो स्मूथ नहीं है वो थोड़ा सा मतलब डिस्ट्रक्ट है इधर उधर से है वो आपका प्लेन है. जैसे आप बॉल थ्रो करोगे ना तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये किधर जाएगा वो हमें पता नहीं होता है. तो दैट इज द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. व्हाट इज द रेगुलर रिफ्लेक्शन व्हेन लाइट जब लाइट आपकी इंसिडेंट होगी पैरेलली और ये रिफ्लेक्ट होगी पैरेलली दैट इज द रेगुलर रिफ्लेक्शन. और जहां पर लाइट इंसिडेंट तो होगी पैरेलली लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल नहीं होती है दैट इज द क्या होगा आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. ओके अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारी है जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो इसके अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. सेकंड क्या है हमारा अगला है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है तो यहां पर दो लॉ हैं ठीक है तो लॉ पहले समझने से पहले ये लाइट आपकी इंसिडेंट हुई दैट इज द रिफ्लेक्टेड रे दैट इज द इंसिडेंट. ओके दैट इज आई दैट इज आर दैट इज एंगल इज इंसिडेंट एंगल दैट इज द रिफ्लेक्टेड एंगल दैट इज द रिफ्लेक्टेड एंगल. ठीक तो फर्स्ट क्या है कि जो फर्स्ट लॉ हमारा क्या है जो हमारी इंसिडेंट रे है जो हमारी इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई इन सेम प्लेन आर लाई इन सेम. अब नॉर्मल की बात करते हैं दैट इज द नॉर्मल मींस एक ऐसा 90 डिग्री मींस एक जो आप यहां पर राइट एंगल बनाओगे एक 90 डिग्री पर इस सरफेस पर एक 90 डिग्री के एंगल बनाते हुए एक लाइन आपने ड्रॉ की है दैट इज द नॉर्मल. ठीक है तो ये क्या करता है व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मींस इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर लाई इन द सेम प्लेन यानी ये सेम प्लेन में लाई करेंगे इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है सेकंड क्या है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मींस क्या है आपका ये जो आई है वो आर के क्या होगा इक्वल होगा मींस ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड दैट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ओके। अब हमें तो लगता है कि बेसिक जो कॉन्सेप्ट है आपका लाइट का बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसके जो डिटेल में और भी आगे पढ़ते जाएंगे। जो हमारी थोड़ी शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं जिससे आपको थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाकर आप अच्छे से समझ सकें ओके। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर नहीं करना भूलिएगा क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये वीडियो पहुंच पाए ओके। थैंक यू।